हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुफियान मकड़ा और अभी इस वक्त सूरत में हूँ और मेरे साथ जो है मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहम्मद भाई बताइए लोगों को कि अलमीम के बारे में कैसे पता चला। जी मुझे पता चला, मैं वीडियो बहुत देखता था अलमीम की, सुफियान भाई की जी, और ये वीडियो देखते देखते मैं आपको कॉन्टेक्ट करा और आपके कॉन्टेक्ट में आया और मुझे अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा काम लगा आपका। जज़ाकअल्लाह मोहम्मद भाई, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की वजह से ये हुआ है कि अलमीम को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मोहब्बत मिल रही है, पूरे सूरत से मिल रही है, पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट से मिल रही है। मोहम्मद भाई मैं लोगों को बताऊंगा कि सूरत ऑन फायर माशाल्लाह बकरेबाजी में। चलिए तो बकरा दिखाते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त सुपर मोहम्मद भाई जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छी चीज़। छोटू उसका चादर निकालो, चादर निकालो, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई लोगों को अपना लोकेशन एड्रेस बताइए, कौन सी जगह पर है ये। मैं हूँ यहाँ पर अभी फ़िलहाल जिलानी ब्रिज के नीचे से आते हैं नासिर नगर, ईट वाला चाल, ईट वाला चाल में है हमारा अबेला। कौन सी जगह बोलेंगे मोहम्मद भाई इसको, फुलवाड़ी, इसको वेट दरवाज़ा कहते हैं, वेट दरवाज़ा जी, वेट दरवाज़ा। ओके वेट दरवाज़ा, कौन सी चाल, ईट वाले की चाल जी, वेट दरवाज़ा, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई बताइए बकरे के बारे में जी, बकरे के बारे में बताइए कौन सी नस्ल में है। ये पंजाबी नस्ल का है भाई, पंजाबी नस्ल में है। और कितने दांत पर ये भाई, 6 दांत हो चुका है पूरा, 6 दांत हुआ जी। और कितना वजन होगा मोहम्मद भाई इसका, अंदाजा एक अपना है 175 होना चाहिए, 175-180 जी। इंशाल्लाह आपका पूरा प्रोग्राम है कि अभी वजन काटे पे लेके जाने वाले हो जी जी, और वहाँ पर लाइव वेट होगा जी जी, लाइव वेट होगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई ये बकरा जो है बेचना है हमें, नहीं फोर सेल में नहीं है, कुर्बानी वाली पार्टी का है, कुर्बानी वाली पार्टी का है जी। और आपका काम जो है भराई का है जी, भराई का है काम अपना। कितने टाइम से मोहम्मद भाई ये बकरा आपके पास है? ये मेरे पास एक बकरा है 8 महीने से भाई, 8 महीने, 8 महीने से। कितने किलो पर आया था आपके पास ये? मेरे पास आया था भाई 118 किलो पर, 118 किलो जी, माशाल्लाह। और 8 महीने में अभी जैसे कि आप बता रहे हो 175 और 180, हाँ जी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बकरे की बनावट क्या बनी है मोहम्मद, इसका कुछ नाम रखे जी? इसका नाम के अंदर हमने रखा है उस्मान। उस्मान जी, क्यों उस्मान? बस ऐसे ही नाम रखा है भाई, उस्मान उर्दू नाम है जरा, इसीलिए अच्छा अच्छा लगा रहा इसीलिए। चलिए तो ये उस्मान है सूरत का माशाल्लाह। मैं इसकी थोड़ी बनावट बताऊँ आपको, बीटल में ना वाइट आइज में, हाँ वाइट आइज है बीटल, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं हम सुपर भाई, कितना हाइट होगा इसका? जी भाई इसका 41 है भाई, 41 जी, जबरदस्त। मुझे इसको थोड़ा मेरी तरफ घुमा सकते हो आप, इधर घुमाओ बकरे को इसको जी, थोड़ा सीधा करके देखिए, ये बकरा घूम गया भाई, घुमाओ मुझे इधर, खसी बकरे ना वहाँ पे चलने में इतने खुट्टे होते ना, वो आलसी होते मतलब। चलिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत भी, और ये कुर्बानी के लिए जी, कुर्बानी के लिए। किन के बकरे हम बता दिए नाम इनका, या नाम नहीं बताना है इनका? नहीं बता देना है ना, मोहम्मद भाई वराछा वाले है। कौन है? मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई वराछा वाले, वराछा वाले जी, उनके उनके बकरे जी। और उनके कितने बकरे हमारे पास? हमारे पास उनके 2 बकरे भाई, 2 बकरे जी। टोटल कितने बकरे पाले हुए मोहम्मद भाई? मैंने टोटल बकरे पाले हुए भाई 25 बकरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल कितने बकरे रहते हैं भराई पर? भराई पर हर साल लेता हूँ 10-12 बकरे 15 बकरे जैसा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छा है मोहम्मद भाई, सूरत जो कि अपना भराई का हब है जी, माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे सूरत से निकलते हैं ज़बरदस्त, और उसमें एक नेक्स्ट लेवल आपने और बढ़ा दिया माशाल्लाह। तो पूरा बकरा इंडस्ट्रीज जो है मोहम्मद भाई, मैं लोगों को बताऊं कि सूरत इंशाल्लाह बताया नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह बताया जाएगा कि सूरत में क्या चीज़ पाली जाती है, और माशाल्लाह सारे लोग बहुत उम्दा बकरे पालते हैं सूरत में। तो हमारी कोशिश है कि जो पूरा सूरत में हिडन टैलेंट छुपा हुआ है वो हम लोगों के सामने लाए, दिखाए, और बकरेबाजी इंडस्ट्रीज जो है मोहम्मद भाई उसको एक अगले लेवल पर लेके चले जी, और सब एक साथ मिलके इंशाल्लाह पूरा आगे लेकर चलेंगे जी। भाई अपना सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं,
बकरा तैयार जी बिल्कुल हर साल इंशाल्लाह। और अपने यहाँ तो सूरत में माशाल्लाह मोहम्मद भाई बहुत अच्छा, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ मोहम्मद भाई कि लोग वापस से सूरत को अगेन याद करें बकरेबाजी में, और जिसके लिए आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जी। वो बहुत ही उम्दा है, थैंक यू सो मच उसके लिए मोहम्मद भाई। ये बकरा जो है हम कांटे पे वजन पे लेके जाएंगे जी, तो इंशाल्लाह वो जो है वो भी हम इसी वीडियो में लाइव दिखाएंगे जी। जी भाई वहाँ का लाइव लाइव काटा दिखाएंगे, लाइव काटा दिखाएंगे ना मोहन भाई। ओके मोहन भाई, ये कब जाने वाला है बकरा उनके वहाँ? बस ये पार्टी है, इनके घर ले जाने का 4-5 दिन पहले मंगा रही है, 4-5 दिन पहले मंगा रही है। ओके मोहन भाई, हम इसको मतलब में जिनका बकरा है क्या नाम बताया? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई जी, अल्लाह मोहम्मद भाई की कुर्बानी को जो कबूल है करे जी, कबूल करे, क्योंकि ये बहुत शौक की चीज है पूरा साल मोहम्मद भाई बकरे को रखना, बहुत बहुत। वो रिस्क उठाना, महंगी चीज कॉस्टली चीज, लेकिन उसको पालना जी, पलवाना और फिर उसको कुर्बान करना अल्लाह के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे और आपकी मेहनत को भी जो है अल्लाह कबूल करे। चलिए मोहम्मद भाई, इस वीडियो को मैं खत्म करेंगे। ये हमारे लड़का है, इसने भी मेहनत करी है, बुलाओ आजा भाई, तू भी आजा भाई। मोहम्मद भाई कौन है ये बच्चा? ये बच्चा मेरे पास 6 साल से काम कर रहा है। अच्छा जी, तो अभी हुआ कितने साल का? ये हो गया 14 साल का अभी। 14 साल का जी। ओके, तो काफी शौक है इसको बकरों का? बहुत शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। मोहम्मद आमिर नाम है इसका। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रेहान नाम है। मोहम्मद रेहान। रेहान जी। ओके, तो भराई जो करते हैं कौन करता है मोहम्मद? ये बच्चे लोग ही चारा डालते हैं, मैं सिर्फ दाना डालता हूँ। दाना डालते हैं और ये लोग चारा, बाकी सब मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लोग पूरी मेहनत, पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मेहनत करते हैं माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, अच्छा लगता है जब हम अपने यंग जनरेशन में ये शौक देखते हैं कुर्बानी वाला बकरे तैयार करना, तो माशाल्लाह खुशी होती है। चलिए मोहम्मद भाई ठीक है, हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, थोड़ा इसको छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो, इसको खुला भी कर दो, तो पूरा बकरा जो है मैं दिखा दूँ। चलो माशाल्लाह, ये वजन पे भी बकरे चलते फिरते, धूप है इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बकरा न तो थका है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह जी भाई, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं नहीं, आप लोगों की मेहनत है भाई, और कलर में भी ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़। ये देखेंगे आप दोनों तरफ से पेटी जो खुली हुई है माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छे है माशाल्लाह। अमन भाई पराई पराई का चार्जिस क्या है तुम? अपना भलाई का 40 से 80 हज़ार रुपये। 8 हज़ार जी, उसमें सब कुछ आ गया जी, सब कुछ आ गया, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलिए तो मैं मोहम्मद भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर दूंगा जी। लेकिन अभी बकरे देखने के लिए मोहम्मद भाई को हैरान परेशान ना जी, किसी को आकर देखना हो मोहम्मद भाई बताएंगे बकरे किसी को देखना है कि? हाँ बता देंगे ना इंशाल्लाह, दिखाएंगे जी जी जरूर। चलिए ठीक है मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच जी जी।